जो एक दिशा दिखाने का काम किया है, जो एक रोशनी दिखाने का काम की शुरुआत की है, मैं आप सब लोगों के चरणों में हाथ जोड़ कर क्या उपस्थित है मेरे युवा साथी। मुझे बड़ी खुशी हुई जब हम यहाँ से बैरियर से इधर अंदर आए तो मेरे छोटे भाई यहाँ हाथों में लट लिए वहाँ सामने आ रहे थे, तो देख के इस नज़ारे को बड़ी खुशी हुई कि इस समाज को पूरे राजस्थान में कभी अपने हक क्योंकि अपने अधिकारों की कभी सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, कभी सोचा ही नहीं। वो समाज के मेरे युवा साथी मेरे युवा भाई आज लट लेकर उस लड़ाई को लड़ रहे हैं, मैं इनकी उपस्थिति को भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत प्रणाम करता हूँ। यहाँ उपस्थित मेरी मातृशक्ति को स्टैंड के उधर साइड में भी मैंने देखा और मैं रात से ही कल से ही वीडियो देख रहा था कि मातृशक्ति जो मेरी मातृशक्ति है वो पूरी की पूरी जितने हमारे भाई यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं उसी प्रकार से उनके साथ खड़ी होकर उनके साथ रहकर मातृशक्ति भी पूरी लड़ाई लड़ रही है, वो उनकी उपस्थिति को मैं चरणों में उनके प्रणाम करता हूँ। मित्रों, मेरे सहजातीय बंधुओं, आप सब जानते हो कि हमारा जो हिस्सा इस प्रदेश में जो आरक्षण का जब वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे और मंडल कमंडल की सिफारिश से जब ओबीसी का आरक्षण शुरू हुआ और जिन जिन जातियों को आरक्षण के अंदर डाला तो कुछ समय ऐसा गुजरा था, आप सब लोगों ने देखा भी होगा कि 99 में जब दूसरी जातियों को आरक्षण के अंदर दूसरे हाउस से पूर्व हमारे चाहे पंचायत राज के चुनाव हो, चाहे हमारे कोई सरकारी नौकरियां हो, हमारे समाज के बंधु उसमें एक अच्छी स्थिति में उसमें निर्वाचित होकर जाते थे, उसमें सेलेक्ट होकर जाते थे। लेकिन 99 के बाद जो आरक्षण में जो विसंगति पैदा हुई उसके उपरांत हमारा जो आरक्षण का जो हिस्सा था, हमारा जो अधिकार था, वो मैं समझता हूँ कमजोर हो गया। आप सब जानते हैं क्या आप सब में रामायण हमारा जो समाज है वो आज का समाज नहीं है, इस भारत का अगर सबसे प्राचीन पुराना समाज है, रचना हुई समाज है तो वो माड़ी समाज है। रामायण के अंदर आपने देखा होगा कि अशोक वाटिका में जब तोड़ फोड़ कर देते हैं और वहाँ अक्षय कुमार को तोड़ फोड़ कर देते हैं तो वहाँ का जो इंसान होता है वो जाकर कहता है कि वहाँ अशोक वाटिका में एक चंद्र आया हुआ है। कोई कमजोर समझने की भूल नहीं करे। मैं इस सरकार को भी कहना चाहता हूँ, इस शासन प्रशासन को भी कहना चाहता हूँ कि हमारा समाज ये जो मेरे भाई आखड़े लट लिए हुए ये जागते लेट है, शेर होता वो उड़ता जरा लेट है, लेकिन जब उड़ता है तो आपको पता है पूरे जंगल में और कोबा घाट में जाती है, समझे सब लोग जितने भी जानवर होते हैं सारे आगे हो जाते हैं। उसी प्रकार ये हमारा समाज है शेर की तरह थोड़ा आलसी है, लेट जगता है, लेकिन जब जगता है तो निश्चित रूप से हम परिणाम तक पहुंचेंगे। लड़ाई लंबी हो सकती है और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि संघर्ष जितना भी लंबा होगा निश्चित रूप से परिणाम भी उसके उतने ही अच्छे आएंगे। इसलिए मित्रों सब लोगों का चाहे हमारे माता बहने हो, चाहे हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे वो उम्र में ज्यादा है, लेकिन उनका भी योगदान है।
भगवान रामचंद्र जी जब सीता को लेने के लिए और पुल बनाने लगे तो आज सब जानते हैं ये गिलेरी ने जब पुल के अंदर थोड़ी थोड़ी अपनी चोंच में भरकर मिट्टी डालना शुरू की तो उनको पूछा कि इस मिट्टी से क्या फर्क पड़ेगा, तो गिलेरी ने जवाब दिया इस मिट्टी से भले ही कोई फर्क नहीं पड़े लेकिन जब भी इस पुल की बात चलेगी तो मेरा नाम आएगा, मेरे सहयोग का नाम आएगा। इसलिए मैं आपसे लोगों से कह रहा हूँ कि सबकी सबकी मदद करके वो लेनी है, चाहे कोई कम करे कोई ज्यादा करे। अभी हमारे किशोर जी भाई लोग पहले से बातचीत कर रहे थे कि किसी भी प्रकार की देखिए ऐसे जो आंदोलन होते हैं उसमें कई लोगों से प्रेरित होकर भी काम करते हैं, इसलिए अपने वो इस बात के भरम में नहीं आना चाहिए। नेतृत्व तो कोई दो चार लोग ही करते हैं, चाहे वो कोई आंदोलन हो चाहे कोई और इतनी बड़ी फौज है भारत की जो सेना लड़ती है, तो जनरल मेजर जो मेजर है जनरल मेजर है जो लोगों का कैप्टन है वो एक ही लड़ते हैं, कोई पूरे सिपाही लड़ने वाले अपना काम करते हैं और वो निर्देश देने का काम करते हैं। इसलिए बिना नेतृत्व के चाहे कोई भी हो, चाहे अपने आरक्षण की लड़ाई हो या कोई अन्य कोई लड़ाई हो, अपने नेतृत्व तय नहीं करेंगे और नेतृत्व में आस्था नहीं रखेंगे तब तक हम लड़ाई जीत नहीं पाएंगे। इसलिए हमें कोई इधर उधर की बातों में हमें कोई भ्रम की स्थिति में आने की आवश्यकता नहीं है। इस लड़ाई को हमें जीतना है तो हमें अपने नेतृत्व में विश्वास रखना होगा और जो लोग आप लोगों ने जो कमेटी बनाई है वो आप ही लोगों के द्वारा बनाई हुई कमेटी है, इसलिए कोई अविश्वास करने की जरूरत नहीं है। मैं आज आपके समक्ष ये बात स्पष्ट रूप से एक बात करना चाहूंगा कि इस लड़ाई में जितनी भी लंबी चले जाए अगर आप कहोगे तो हम हमारे बारे में भी ये लड़ाई शुरू कर देंगे, रोड़े दाम कर देंगे। पहले भी वहां हुआ था किशोर जी आए उदयपुर वादी में भी हमारे भोजपुरा वहाँ जाम लगातार सब कुछ रोक दिया था, वहाँ मुकदमे भी बने सब लोगों पे। लेकिन हम न तो मुकदमों की परवाह करने वाले हैं न लट खाने की परवाह करने वाले हैं, इसमें हम डटे रहेंगे, जरूरत पड़ेगी तो वहाँ भी करेंगे और पूरे राजस्थान में हमारे समाज के लोग हैं जहाँ जहाँ हमारा परिचय उनसे भी बात करेंगे, हमारी बात सुन ही रही है, मैंने कल भी बात कर दी। मैं आप लोगों को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ, इस बात के लिए मेरा सीना जो है वो बड़ा गौरवान्वित महसूस करता है कि परसों रात को मैंने 11 बजे के आसपास न्यूज चैनल न्यूज देखने के लिए टीवी ऑन किया तो उसमें सबसे फर्स्ट इंडिया चैनल है उसमें सबसे पहले एक पट्टी आई कि आरक्षण के मामले में भरतपुर में माड़ी समाज ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया है और पथराव कर दिया, पुलिस के अधिकारी गाड़ियां छोड़कर भाग गए हैं। आरक्षण को मिलेगा जब मिलेगा, लेकिन एक मोरली आदमी है मेरे को बड़ा गौरवान्वित अपने आप को महसूस किया कि मेरे समाज के लोग इतने ताकतवर लोग जो शासन प्रशासन को भी आगे कर लिया, कम से कम इतनी ताकत तो समाज में आई। इसलिए मैं आप लोगों से इस बात का धन्यवाद देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ से 300 किलोमीटर चलकर उन लोगों के समक्ष में जाऊं, उनके दर्शन करूं, आपको धन्यवाद दूं और आपको इस लड़ाई को मिलकर लड़ने का मैं विश्वास दिलाता हूं। आप सब लोगों को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।